मैं सुलक्षणा पाटिल, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज की खबरें। मुस्लिम मदरसे की लाइब्रेरी में हिंदू ग्रंथों को भी सजा कर रखा है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में मदरसा मजाहिर उलूम की लाइब्रेरी में हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें व गीता सहित वेद पुराण आदि बहुत सी किताबें हैं, जो कई सौ साल पुरानी हाथ से लिखी हुई है। पुस्तकालय के सेवक मौलाना अखलाक ने बताया। जी, दो मंजिला है। ऊपर तो नसाब यानी कोर्स की किताबें जो यहाँ पढ़ाई जाती है, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं इन्हें मुफ्त दी जाती है किताबें। सभी किताबें मुफ्त होती है। जी हाँ, और आखिर साल में जब रमजान की छुट्टियाँ पड़ती है जब उनसे किताबें ले ली जाती हैं वापस। नीचे की जो किताबें हैं ये सारी किताबें स्टडीज यानी मुताला अध्ययन की, और ये 1.5 लाख किताबें इस वक्त 53 सब्जेक्ट की हैं। मज़ाहिर उलूम की ज़करिया मंजिल है। मदरसा मज़ाहिर उलूम का संग बुनियाद 9 नवंबर 1866 ईस्वी में रखा गया था। अब जो इस वक्त इसके मौजूदा बानी हैं या ये मौजूदा मदरसे की देख रेख करने वाले हैं, जो सिस्टम चलाने वाले हैं, उनका नाम मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद है। आप उनके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद साजिद, जो यहाँ जमीयत उलमा के क्या हैं, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। मदरसे के जनसंपर्क प्रभारी मौलाना मोहम्मद असद ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को बहुत अहमियत दी है, और आपका ये दस्तूर था कि तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद जितने भी फ़नून हैं सब के माहिरीन को बुलाकर उनको तालीम दिया करते थे, और उन्हीं इसी के साथ साथ उनके खाने का, उनके रहने का और इंतज़ाम किया करते थे। इसी तर्ज पर हमारे जितने भी मदारिस हैं ये उसी तर्ज पर चल रहे हैं, और उसमें सर फहरिस्त दारुल उलूम देवबंद और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हैं। इसके अलावा जितने भी मदरसे हैं वो इन्हीं के मातहत और इन्हीं को अपना मशाल राह समझकर काम कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि मदरसों के बारे में जो तरह तरह की गलत बयानी की जाती हैं, मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सब हजरात मदरसे में आएँ, यहाँ के माहौल को देखें और यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा कोर्स है, और यहाँ किस तरीके से आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है, इस चीज़ को भी समझा जाए। वरिष्ठ समाज सेवक आरिफ खान बोले, मैं मोहम्मद आरिफ खान, वरिष्ठ समाज सेवी सहारनपुर से। सबसे पहले मैं देशवासियों को अपना प्यार भरा आदाब, और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ वालों का, जो मदरसे तशरीफ लाए। अरबी मदरसा एकता का संदेश है, और इस मदरसे में हर धर्मों की किताबें रखी हुई है, और हमारे साथ मौलाना साजिद साहब की दावत पर हर अधिकारी यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, और अधिकारी हर चीज़ को यहाँ देखते हैं। यहाँ भगवत गीता भी देखते हैं जो हाथ से लिखी हुई 350 साल पुरानी यहाँ पर है, और चारों वेद भी है। और यहाँ मदरसे में इतना अच्छा इंतज़ाम है, एकता का मदरसा है, और यहाँ सालों से, अब से नहीं सालों से, यहाँ दो प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, जो 26 जनवरी का भी प्रोग्राम होता है और 15 अगस्त का भी प्रोग्राम होता है, और हर मज़हब के लोग यहाँ पर मौलाना साजिद साहब की दावत पर आते हैं, और सालों से ये एकता का प्रोग्राम कराते हैं। और ये मदरसा कोई सा भी हो वो एकता का प्रतीक होता है। और यहाँ मदरसे में जब दुआ होती है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होती, हर धर्म के लोगों के लिए होती है। हमारे मौलाना साजिद साहब, मौलाना शाहिद साहब जब दुआ कराते हैं तो वो देश और मुल्क की तरक्की की, भाईचारे की, खुशहाली की आप दुआ कराते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो। यही मेरे आपसे संदेश है कि प्यार से रहो और मदरसे में आओ, मदरसे का इंतज़ाम देखो, मदरसे में क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, एकता का प्रतीक है मदरसा। जय हिंद, जय भारत। मदरसे में लगभग 2000 बच्चों को तालीम फ्री दी जा रही है, साथ ही उनके लिए रहने, खाने व कपड़े आदि की जरूरतमंद सामान की व्यवस्था भी है। दूसरे धर्मों के लोग जो ये सोचते हैं कि पता नहीं मुस्लिम मदरसों वो बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है, तो वे एक बार यहाँ जरूर आए व देखे कि यहाँ पर एकता और भाईचारा बनाकर बड़ी ही शांतिप्रिय ढंग से बच्चे केवल धार्मिकता वाली शिक्षा ही ले रहे हैं। इस मदरसे में जियारत के लिए जिला अधिकारी, कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारी आते रहते हैं, जो देखकर हैरान होकर यह भी कहते हैं कि मदरसे में शांतिप्रिय ढंग से एक साथ 2000 बच्चों का पढ़ना व लाइब्रेरी में सभी धर्मों की कई कई सौ साल पुरानी हाथ से लिखी हुई किताबों का होना यह दर्शाता है कि
मुस्लिम धर्म में आज भी भाईचारा व सभी धर्मों का सम्मान करने वाले शिष्टाचारी लोग मौजूद है। जमीयल उलेमा ए हिंद के सचिव मौलाना साजिद साहब ने मदरसे के बारे में कहा, इसमें हमारे मदरसा मदायर उलूम में किसी किस्म की कोई फीस तलबा से नहीं ली जाती, सब किताबें वगैरह और जो है खाने का और ये जो है सब फ्री है, मदरसे की तरफ से है, सब उसका अखराजात जो है वो मदरसा उठाता है और किसी तालिब इलम से कोई भी फीस किसी किस्म की नहीं ली जाती। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे यहाँ मदरसे में और भी पार्टियों के लोग भी आते हैं और अधिकारी भी आते हैं, वो देखते हैं और आकर जो ख़ास तौर पर भगवद गीता और काशीखंड वगैरह जो देख कर जाते हैं तो वो उसका बाहर जाकर कहते हैं कि ये मदरसों के अंदर भगवद गीता का मौजूद होना ये फ़िरका परस्तों के मुँह पर एक तमाचा है और इससे जो है फ़िरका परस्तों को जो है सबक लेना चाहिए और मदरसों में आकर हम सबको दावत देते हैं, सब लोग आएँ और आकर हमारा मदरसा देखें और अपना विचार धारा उससे कायम करें। इस मौके पर माजिद खान, जिला अध्यक्ष रियल हेल्प ब्यूरो, बिलाल अहमद, मोहम्मद अम्मार, सलीम अहमद आदि मौजूद रहे। ये हमारी किताबें हैं, ये हाथ की लिखी हुई हैं सब, और कोई कोई किताब तकरीबन 450 साल पुरानी और 600 साल पुरानी किताबें हैं ये, और ये सब हाथ की लिखी हुई हैं। नहीं ये तो उर्दू में, ये उर्दू में है आगे आगे, और ये काशीखंड है ये संस्कृत में है। ये भगवत गीता जो है ये 450 साल पुरानी है, 450 साल पुरानी है भगवत गीता, और ये काशीखंड है इसी तरह, ये भी तकरीबन 500 साल पुराना है। हाँ। ये भोजपत्र भी रखा हुआ है। अच्छा भोजपत्र भी है? भोजपत्र है, जिस जमाने में पेपर नहीं होते थे जी, पत्तों पे लिखाई होती थी, ये भोजपत्र भी यहाँ कहाँ है, ये भोजपत्र है, ये संस्कृत में है, ये कुछ जो जबान है ये तमिल जबान है, मजहब इस्लाम की तारीख जी। और ये आप यहाँ जितनी किताबें ये देख रहे हैं ये सारी किताबें इसका पूरा शेयर ये जाता है जो हमारे मदरसे के सेक्रेटरी हैं मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद जी, ये उन्हीं की मेहनत और जद्दोजहद का नतीजा है जी। बहुत बढ़िया, ये तमाम किताबें उन्हीं की मेहनत और जद्दोजहद से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से उन्होंने जमा की। इसी तरह ये कुरान पाक भी रखे हुए हैं इधर हाथ के लिखे हुए सब, ये तो ये वेद हैं, चारों वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, श्यामवेद, चारों वेद की किताबें हैं। अच्छा, और इसी तरह ये हैं महाभारत के पाठ, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरित्र पे जो लिखी हुई किताब है ये वो हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अकीदे की मुख्तलिफ जबान में ये हिंदी जबान में ये सारी किताबें। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारनपुर।